राजकुमार सिद्धार्थ को घर छोड़े 7 साल पूर्ण होने वाले थे और बुद्ध बने उनको 1 साल पूर्ण होने वाला था। इतने कम समय में भगवान बुद्ध की शिक्षा बहुत फैल चुकी थी। महाराज शुद्धोदन ने सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके हैं और उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तित किया है। वाराणसी के प्रख्यात 3 काश्यप बंधुओं ने भी अपने सन्यासी शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की है। मगध के राजा बिंबिसार ने भी बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण कर वेणुवन उद्यान को दान में दिया है। बोधि प्राप्ति के 10 महीनों के भीतर ही उपलब्ध हुई इतनी सफलताओं की सूचना जब राजा शुद्धोदन को मिली तो प्रसन्न चित्त हो गए। पुत्र से मिलने की इच्छा और तीव्र हो गई। तभी फाल्गुन महीने में शुद्धोदन राजा ने गौतम बुद्ध को कपिलवस्तु आने का संदेशा भिजवाया। सिद्धार्थ के बचपन के साथी कालूदाई संदेशा ले भगवान से मिले और भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु आने के आमंत्रण को स्वीकार किया। भगवान बुद्ध 20,000 अर्हत भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु आए। कपिलवस्तु पहुंचने में उन्हें 2 महीने लगे और वैशाख महीने के प्रथम दिन वह कपिलवस्तु पहुंच गए थे। कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा जब भगवान बुद्ध खुद 20,000 अर्हत भिक्षुओं के साथ चारिका करते हुए गांव नगर से गुजरते हुए निकले होंगे। सोचकर ही मन खुशी से भर जाता है। भगवान बुद्ध और भिक्षुगण कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए घर घर जा रहे थे। ये सुनकर राजा शुद्धोदन व्याकुल हो गए और स्वयं जाकर पुत्र को संग सहित राजमहल में बुलाकर भोजन दान दिया। जब भगवान बुद्ध संग के साथ राजमहल की ओर जा रहे थे तब महल के बरामदे में पुत्र राहुल के साथ माता यशोधरा खड़े खड़े भगवान बुद्ध को देख रहे थे। तब माता यशोधरा ने अपने पुत्र को इशारा करते हुए बताया कि देखो यह है तुम्हारे पिता, क्योंकि राहुल ने बचपन से अपने पिता को नहीं देखा था। फिर यशोधरा जी ने भगवान बुद्ध के शारीरिक गुणों को प्रकट करते हुए पुत्र राहुल को बताते हैं कि उनके पिता कौन है। उसे ही आज हम नरसिंह गाथा कहते हैं। यशोधरा जी कहते हैं कि देख ये जो नरों में सिंह के समान है यही तेरे पिता है। देख इनकी नासिका कितनी लंबी और सुडोल है। इनकी आंखें सुंदर नीले रंग की है और आंखों की पलकें गाय के बछड़े की जैसी है। इनकी श्याम वर्णी भौहें इंद्रधनुष की आकृति के समान है। इनकी गर्दन गोलाकार और सुगठित है। इनकी थोड़ी सिंह की जैसी है, यही क्यों इनका सारा शरीर ही सिंह जैसा है। जिस प्रसन्न चित्त से यशोधरा ने अपने पूर्व पति का परिचय पुत्र राहुल को दिया उससे हमें साफ दिखाई देता है कि पति के गृह त्याग का उनके मन में रोष न था बल्कि श्रद्धा और गर्व था कि जिस लोक हित के लिए गृह त्याग किया उसमें वह सफल हो चुके हैं, लोक कल्याण में लग चुके हैं। वह चाहती है कि अपने पुत्र के मन में भी यही भाव जागे। इसीलिए अपने पुत्र राहुल को उनके पिता का ऐसा सही और गरिमामय परिचय दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।